हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा। यहां आप लोग देख सकते हो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यहां आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देख सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां आप लोग देखो ये सारे बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और अब की बार भी आने का बहुत ज्यादा चांस है, 100% आएगा बोर्ड परीक्षा में। यहां आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सारे क्वेश्चंस आप देख कर जाना क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस 100% जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलो हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, यहां लिखा हुआ जो यंग इटली है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली है, यंग इटली एक सोसाइटी थी जिसका संस्थापक कौन था? हमारा का नंबर ऑप्शन है गैरिवाल्डी, खा है बिस्मार्क, गा है काबूर एंड घा है मेजनी। तो आप लोग जल्दी से बताओ कि जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर है मेजनी, ठीक है। जो यंग इटली सोसाइटी है इसका संस्थापक मेजनी था और ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, भूलना मत, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो कि सवनीय आवेज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जो सवनीय आवेज्ञा आंदोलन है वो आपको बताना है कि कब चलाया गया। यहां आपके ऑप्शन है का 1920 ईस्वी, खा है 1927 ईस्वी, गा है 1930 ईस्वी एंड घा है 1935 ईस्वी। तो सवनीय आवेज्ञा आंदोलन आप लोगों का जो है वो 1930 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना, कभी भूलना मत, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यही सारे क्वेश्चन आएंगे और मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहां देखो लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? का ऑप्शन है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, गा है न्यूयॉर्क एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यहां मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग याद करके ही जाना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, याद कर लेना, ये हमारा तीसरा नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां फोर नंबर क्वेश्चन पर आप लोग देखो, लिखा हुआ है निम्न में से जैवीय संसाधन है, देखो सॉरी अजैवीय, निम्न में से अजैवीय संसाधन है। यहां आपको क्वेश्चन नंबर फोर में बताना है कि निम्न में से अजैवीय संसाधन है। देखो मैंने एक पढ़ाया था आपको जैव संसाधन, ठीक है, जैव संसाधन, और एक मैंने आपको पढ़ाया है अजैव संसाधन। दोनों पढ़ाया है भाई, आप लोग वीडियो देखते होंगे तो जानते होंगे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और यहां आपको पूछ रहा है कि जैसे का ऑप्शन है चट्टाने, खा है आपका पशु एंड घा है आपका पौधे एंड घा है आपका मछलियां। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से जैव कौन सा संसाधन है, अजैव कौन सा संसाधन है, इसमें अजैव पूछा गया है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, याद रखना, अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होते हैं, जो यहां से वहां नहीं जा सकते हैं, बट जैव संसाधन ये जो होता है ना, ये सजीव होते हैं, उनके अंदर जीव होते हैं, ये जीवन व्याप्त करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो अब आप लोग बताओ क्या इसमें पशु जीवन यापन करते हैं? तो हां पशु जीवन यापन करते हैं। पेड़ पौधे भी आप लोग देखते होंगे कि वो 2-3 महीना बाद कितने बड़े हो जाते हैं, तो वो भी सजीव हैं। मछलियां तो सजीव हैं, बट यहां अजय पूछ रहा है जो निर्जीव हैं, तो निर्जीव इसमें से क्या है? चट्टाने हैं। तो अगर आप लोगों से पूछे अजैव संसाधन तो वो निर्जीव होता है और जैव संसाधन जो होता है वो सजीव होता है। अब आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो भूलना मत, बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। ओके, तो यहां चट्टाने जो है वो एक अजैवीय संसाधन है, अजैव संसाधन है। यहां पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी रवि की फसल है। देखो एक होता है रवि की फसल और एक होता है खरीफ की फसल, यहां आपको बताना है रवि की फसल, ठीक है। आपके पास ऑप्शन का है धान, खा है बाजरा, गा है गेहूं एंड घा है मक्का। तो आप लोग जानते होंगे रवि की फसल, ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो यहां जो आपका रवि की फसल है वो है गेहूं।
गेहूं क्या है? रबी की फसल है। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कई सारे रबी की फसलें, अगर आप नहीं जानते हो तो देख लेना। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 और आई होप कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सारे बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं कि वही बोर्ड परीक्षा में आए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। कई सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर एंड अनसॉल्व पेपर से लेकर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, आपके जो गाइड है सारी चीजों से मिलाकर, ताकि ये जो है जितने क्वेश्चन पढ़ाया जाए वो बोर्ड परीक्षा में आए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग 6 देखेंगे। यहां क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो, लिखा हुआ है झरिया प्रसिद्ध है। यहां आप एक नाम देखो झरिया, ठीक है, झरिया प्रसिद्ध है। का ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, खा है कोयले के लिए, गा है तांबा के लिए एंड गा है बॉक्साइट के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए, एक है कोडरमा, कोडरमा प्रसिद्ध है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्या पूछा जाता है ध्यान से समझना, यह भी क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, मॉडल पेपर में भी। कोडरमा प्रसिद्ध है तो ये जो होता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आई होप कि पता होगा, अर्वरक के लिए। बट अगर झरिया की बात की जाए तो ये जो है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए, ठीक है। जैसे यहां आपको समझ में आया, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो भाई बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन याद होता जा रहा होगा। 7 पर आप लोग फोकस करो कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ एनसीईआरटी का, ठीक है। अब आप लोग याद करके ही जाना ये सारे क्वेश्चंस। देखो यहां आप सबसे पहले समझो क्या कह रहा है। अगर आप मैप जानते हो ना, मानचित्र, तो फिर ये जानते होंगे। का है हमारा मुंबई तथा नागपुर, खा है मुंबई और कोलकाता, गा है सिलचर तथा पोरबंदर एंड घा है नागपुर तथा सिलीगुड़ी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां जो आपका क्या कह रहा है, दूरस्थ स्थित स्थान जो आपका पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़ा हुआ है, तो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जो आपका है सिलचर तथा पोरबंदर जुड़ा हुआ है। याद रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान की जानकारी रखते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में यहां औरतों के, जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, आपने सुना होगा कि यहां जो है ना औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लाइक एज औरत जो होती हैं, अगर वो कम नंबर लाएं तो भी वो सिलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके आरक्षण होते हैं। बट अब यहां पूछ रहा है कि भारत में, जैसे आरक्षण तो मान लिया चलो होता है, लेकिन भारत में यहां जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो कहां से है? का ऑप्शन है लोकसभा, का है विधानसभा, का है पंचायती राज संस्थाएं एंड का है विधानसभा, या फिर आप इसे एक ऑप्शन आप चेंज कर दो, ठीक है, इसे आप दूसरा कर दो, ठीक है, या फिर कोई नहीं, ओके, एक जैसा मत रखो, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे यहां पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना, जैसे भाई जो वोटिंग होता है ना पंचायती राज संस्थाओं से होता है, तो पंचायती राज संस्थाओं से औरतों की आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। तो यहां आप लोग याद रखना, जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं वहां से औरतों की आरक्षण की व्यवस्था है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए तो लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई? ऑप्शन नंबर का है 2008, का है 2010, गा है 2005 एंड घा है 2000। तो यहां आप लोग सोच सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन जो आपका पूछ रहा है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना, तो ये 2005 में चलाई गई थी। कब चलाया गया था? 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार बताया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। का ऑप्शन है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, जो आपका उत्पादन का साधन है, लाइक इज आप जिससे उत्पादन कर सकते हो, तो यहां जो आपका पूंजी है, पूंजी से उत्पादन किया जा सकता है। अगर आपके पास पूंजी है तो फिर आप कोई सा भी रोजगार कर सकते हो और उससे आप लाभ ले सकते हो, ठीक है, उससे आप उत्पादन भी कर सकते हो, फसल को लगाकर आप उससे उत्पादन भी कर सकते हो अगर आपके पास पूंजी है। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप बोर्ड परीक्षा में जाना तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार करके जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ मॉडल पेपर और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर कई तरह से लिए गए हैं, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आए।
ओके तो ये हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे जो आपके और सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां देखो, आप लोग ध्यान से देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके ही जाना, ठीक है। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा में जाना, लिखा हुआ है जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। देखो, एक हुआ था जर्मनी का एकीकरण, आपको मैंने पढ़ाया भी है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, मैं आपको बताता हूं सारी चीजें। और एक था इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। लेकिन अब आपको यहां नॉलेज किसकी होनी चाहिए, जर्मनी का एकीकरण का, क्योंकि जर्मन का आपका जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, मैंने आपको बताया भी था, उसका मुख्यमंत्री भी था जर्मनी के एकीकरण का। तो मैं आपको यहां फिर से बता देता हूं कि जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वान बिस्मार्क, नाम याद रखना, भूलना मत, ऑटो वान बिस्मार्क, ठीक है, ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, जो ऑटो वान बिस्मार्क है उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो उसमें ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और फिर पूछ रहा है जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो प्रसा के राजा, ये पहले तो प्रसा के राजा थे, फिर प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ये है पूरी जर्मनी के एकीकरण के बारे में, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो वो तो आपको मैंने बता दिया कि ऑटो वान बिस्मार्क का था। अब फिर आपसे यह भी पूछ रहा है कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट जो है राजा, जो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 पे आप लोग फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी का है। लिखा हुआ है गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, क्या है, हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। गांधी जी का एक पुस्तक है जो कि हिंद स्वराज है, में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया, उसमें कुछ लिखा था वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो, जो महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 1909 में, इस भी याद रखना, 1909 में कहा था, क्या कहा था, कि भारत में जो आपकी इंडिया है, भारत में ब्रिटिश शासन, आपको पता है कि भारत में ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का राज था, आपको पता होगा। तो भारत में जो ब्रिटिश शासन है भारतीयों के सहयोग से भी स्थापित हुआ था। यहां कह रहे हैं कि जो भारत में अगर ब्रिटिश का शासन हुआ था तो फिर ये भारतीयों के सहयोग से हुआ था, ठीक है। एंड अगर यहां फिर समझो, और शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था, अगर भारत के लोग उनका साथ ना देते तो ब्रिटिश शासन इतना दिन तक चल ही नहीं पाता, ठीक है। वही कह रहे हैं कि शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ठह जाएगी और स्वराज की स्थापना होगी। लाइक कहने का मतलब यह है कि अगर जो भारत में ब्रिटिश का शासन था तो भारत के लोगों का भी उनमें सहयोग था। अगर सभी भारतीय लोग चाहें तो ब्रिटिश शासन ओनली वन ईयर, यानी कि साल भर के भीतर ठह जाएगी। तो यही लिखा गया था जो महात्मा गांधी जी के पुस्तक हिंद स्वराज में, इसको नोट कर लेना, बार बार रिवीजन करना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, जैसा मैंने लिखा है, बहुत शॉर्टकट में लिखा है, ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं और ये आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। इसमें है क्या, आपको यही तो कहना है, महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 1919 में कहा था कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों लोगों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ठह जाएगी और स्वराज की स्थापना होगी। बस इतना सा आपको याद करना है, आई होप कि आपको याद हो जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। अब आप देखो यहां क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर फोकस करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। लिखा हुआ है तीन राज्यों के नाम बताइए, आपको ऐसे तीन राज्यों के नाम बताना है जहां काली मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो आप कहोगे बहुत निम्न प्रकार की, लाइक निम्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं,
तो कुछ नाम जैसे आपकी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वन मृदा, ठीक है, यही सारे तो हैं, पीली मृदा, यही सारे हैं जो मतलब मिट्टियां होती हैं। लेकिन यहां मेन पूछ रहा है कि तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखो मैंने मानचित्र में भरा कर सिखा दिया है कि कहाँ काली मृदा पाई जाती है, कहाँ लाल मृदा पाई जाती है, कहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, कहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहां मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर कि काली मृदा का रंग काला होता है। अगर आप पहचानना चाहते हो आखिर ये काली मृदा है तो फिर उसका रंग भी काला होगा। इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एंड यह जो होता है ना लावाजनक शैलों से बनता है। देखो लावाजनक शैले जहां काफी ज्यादा आग होता है, अब भाई जब वहां से बनेगा तो इसका रंग काला ही होगा और इसीलिए इसकी मृदा का नाम काला मिट्टी दिया गया है, काली मृदा दी गई है। जैसे लाल मृदा का रंग लाल होता है तो उसका नाम लाल दिया गया है और वही लाल मृदा पीली हो जाती है तो उसका नाम पीला मृदा नाम दे दिया जाता है। यहां से कुछ समझे? जैसा रहोगे वैसा ही आपका नाम पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहां कहने का मतलब है कि यह जो है ना लावाजनक शैलों से बनती है और यह मृदा जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। कौन मृदा? काली मृदा। और काली मृदा में कपास, याद रखना मेन पॉइंट जो कि ये है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में मैंने भाई देखा है, पूछा गया है कई बार, कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। जैसे दो आपकी कपास होता है ना, कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ये क्वेश्चन याद रखना और ये आपका मेन पॉइंट है कि मतलब काली मृदा जो है ना उसमें कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझा गया है। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, 100% आने का चांस है। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लो, नोट्स बना लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसमें आपके सारे क्लियर हो जाएंगे जो भी डाउट है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर आप लोग फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। देखो ये क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपने सुना भी होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस पर आपको अच्छे से विवरण देना है, वर्णन करना है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले एक रॉलेट एक्ट कानून चलाया गया था। रॉलेट एक्ट कानून के बारे में पता है या नहीं? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो भारतीयों पर बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। अब ये भाई भारतीयों लोगों के लिए तो खतरनाक था क्योंकि भाई शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, अगर शंका है तो भारतीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये कानून के विरोध में, या लाइक रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में, इसका विरोध करने के लिए, ठीक है, विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता, जो पंजाब है एक राज्य है और पंजाब में एक स्थान अमृतसर है, अमृतसर जिला है, की जनता अत्यंत आक्रोशित थी या फिर क्रोधित थी, अत्यंत आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण या करने का नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया था। जैसे जो शासन होता है ना, सैनिक शासन लागू करने का नियंत्रण, सैनिक शासन को नियंत्रण करना या लागू करना, ये जो था जनरल डायर को दिया गया था, जनरल डायर। अब 18 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। सार्वजनिक सभा लाइक सभा जो है ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब भाई प्रतिबंध अगर लगाया गया, किसी चीज पर प्रतिबंध लगाया गया तो जनता को बताना चाहिए कि नहीं? बताना चाहिए, जो कि जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं पता थी। जो ये मतलब सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा तो दिया गया लेकिन जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं पता था। अब जब जनता को नहीं पता था कि सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया
तो ऐसा हुआ कि जो आपका 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था और इसी दिन जो सरकार है ना, सरकार की नीति का विरोध, जैसे यहां इसी दिन एक सरकार काट दो, सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। देखो तो सरकार ने तो भाई सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन भाई जनता को पता नहीं था। तो फिर हुआ क्या कि सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जो जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे जनता थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे किसान थे, कुछ और लोग थे, ठीक है, सभी लोग थे। तभी हुआ क्या, तभी जनरल डायर 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। जैसे वहां एकमात्र एक ही दरवाजा लगा हुआ था, उसको भी रोक लिया और 200 देसी जो देश के लोग थे और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर, ठीक है, जो दरवाजा था, एकमात्र दरवाजा था, उसे रोक लिया और निहत्थे जनता पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। जो निहत्थी जनता थी, जिनके हाथ में कुछ नहीं था, एक जो आपका लाठी भी नहीं था, जो मतलब जनता थे उनके हाथों में, और निहत्थे जनता पर गोलियों का बौछार शुरू कर दी और 10 मिनट तक निहत्थे भीड़ पर गोलियों की बौछार की होती रही और 10 मिनट तक गोलियों का बौछार चलता रहा। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए, असंख्य लोग घायल हो गए। इस घटना ने भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर पैदा कर दी और यही हमारा होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इसमें जनरल डायर जो था वो 50, जैसे आपका 200 देसी और 50 गोरे लोगों को लिया और एक दरवाजे को घेर लिया और जो जनता थी, जो सभा का आयोजन किया गया था, उस पर गोलियों का बौछार करना शुरू कर दिया। असंख्य लोग यानी कि बहुत सारे लोग घायल हुए, हजारों लोग मारे गए। तो यही हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले आप इसका नोट बना लो, नोट जरूर बनाओ, क्योंकि नोट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा लिख लोगे तो आप बोर्ड परीक्षा में 100% ऐसा लिख सकते हो। थोड़ा आप रिवीजन करो, थोड़ा याद करो, तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर आपको ये जो आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको समझ कर ही जाना है बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषता बताओ। जैसे जो भारत की लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र है, उनकी 3 विशेषताओं को बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके ही जाना। देखो यहां आपका उत्तर है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। जो भारतीय लोकतंत्र है उनकी 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से, एक एक विशेषताओं को समझो। पहला देखो, पहला है सरकार का निर्माण। जो सरकार है अगर उसका निर्माण करना है तो जन मतलब जनता, जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जो जनता है उन्हीं के द्वारा सरकार का निर्माण होता है, मतलब सरकार को निर्वाचित किया जाता है। अगर जनता चाहे जिसे सरकार बना सकती है, देखो जनता के हाथ में है, क्योंकि अगर आप जनता जिसको ज्यादा वोट देगी वो सरकार बन जाएगा, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब है कि जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो सरकार होती है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होती है। ये पहली विशेषता है कि सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। दूसरा देखो, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। अगर राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति करनी है तो एक ही दल नहीं होते हैं। जैसे अगर रनिंग होता है ना तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, अकेले दौड़ोगे तो वैसे जीत जाओगे। ऐसे जब एक ही दल नहीं होता, जैसे आप देखे होंगे, जैसे आपका बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसे कई सारे दल हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी है। तो राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति अगर आपको करना है तो एक से अधिक दल, मतलब दल रहेंगे और उनके मध्य प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है। यहां तीसरा है, चुनाव जो होता है सार्वभौमिक वश्यक मताधिकार के आधार पर समय समय पर होता है। लेकिन जो चुनाव होता है वो समय समय पर होता है, ठीक है। जैसे सबका वर्ष जो है ना दिया है, जैसे 5 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, ऐसे जैसे सभी का अलग अलग है। तो चुनाव जो है सार्वभौमिक वश्यक मताधिकार के आधार पर समय समय पर होता रहता है। ये आपका 3 विशेषता है जो बहुत ज्यादा VIMP है, याद करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे नोट कर लेना, और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, लगातार क्वेश्चंस कराए जाएंगे बोर्ड एग्जाम तक। केवल आप लोग ध्यान से पढ़ो, नोट बनाओ। यहां देखो एक क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन नंबर 16,
कि संघवाद क्या है। संघवाद का नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो आज सुन लो कि संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखो संघवाद, अब यहां जो संघ है ना, जैसे यहां देखो जो संघवाद है सरकार का एक प्रारूप है। क्या है? प्रारूप है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता जो है, सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और विभिन्न और उनकी विभिन्न अनुसंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ठीक है, काफी आसान है, आई होप कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा संघवाद और इनकी विशेषता मैं आपको तीन बता देता हूं, तीनों याद रखना बहुत आसान है। पहले पर अगर फोकस करो तो यहां लिखा हुआ है, जो यहां जो है सरकारें दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती हैं। यहां जो सरकार होती है एक स्तर पर नहीं होती है, दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। और दूसरा पॉइंट समझो कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। वर्णित का मतलब कि जो जितने भी सरकार हैं, विभिन्न स्तरों के सरकार है ना, उनका अधिकार जो है संविधान में वर्णित मतलब लिखी रहती है। ठीक है, अच्छे से। और इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। जो संविधान होता है वो हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है, ये याद रखना, काफी आसान सा है। अब यहां आप लोग तीसरा पॉइंट समझो कि संविधान के मौलिक जो आपका प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेली नहीं बदल सकती। अगर संविधान के किसी मौलिक प्रावधान को बदलना है, किसी नियम को बदलना है, किसी रूल को बदलना है, तो फिर एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, क्योंकि यहां सरकार दो स्तरों वाली होती है। तो यहां क्या होगा, ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमत से होगी, एक स्तर की सरकारों से सहमत से नहीं होगी। तो आज मैंने ये 16 जो बहुत ज्यादा VIMP क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिस्कस कर दिया। ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करके जाना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इतने क्वेश्चंस आप बोर्ड परीक्षा में याद करके जाना, जितना मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया है वो भी याद कर लेना, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स बना लेना, उसका रिवीजन करना बोर्ड एग्जाम तक, कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर मत आओ। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।